नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन नीमच के माध्यम से नीमच जिले में एक दिवसीय रक्त समूह परीक्षण शिविर का आयोजन पूरे जिले भर में रखा गया। इसी तारतम्य में नगर परिषद कुकड़ेश्वर द्वारा भी कुकड़ेश्वर नगर में 3 जगह कैंप आयोजित किए गए। प्रातः 9 बजे से कैंप की शुरुआत की गई जो सायं 7 बजे तक अनवरत जारी रहा। वहीं हम बात करें कि लगभग सायं 5 बजे अचानक रिमझिम बारिश हो जाने की वजह से थोड़ी सी कैंपों में अव्यवस्था हुई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा तत्कालीन व्यवस्था करते हुए लोगों को सुविधा दी गई। वहीं देखा जाए तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया, जो कि रिमझिम बारिश होने के उपरांत भी लोग नहीं रुके और परिणाम यह रहा कि तीनों ही कैंपों से लगभग 1030 लोगों ने रक्त समूह शिविर का लाभ लिया। नगर परिषद द्वारा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतरीन तरीके से नगर में लगे तीनों ही जगह कैंपों में पूरी तरह से व्यवस्था दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक अनवरत 1030 लोगों का निःशुल्क रक्त समूह परीक्षण कर उन्हें कार्ड यहां से प्रदान किए गए। रिमझिम बारिश के दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि उज्जवल पटवा भी अपना रक्त समूह परीक्षण कराने के लिए रिमझिम बारिश के दौरान पहुंचे। वहीं उन्होंने एक नन्ही बालिका से जो रक्त परीक्षण कराने आई थी, उस बालिका से उज्जवल पटवा ने 1-to-1 चर्चा की व रक्त समूह परीक्षण को लेकर चर्चा की। देखिए। कौन सी क्लास में क्या करने आया है लड़की? आपको अवेयरनेस है, मतलब जागृति है ना कि अपने जांच कराना चाहिए, आपको समझ है? वेरी गुड, चलिए बहुत धन्यवाद आपका।